ना, मैं असल में उस बंदे को जानता हूँ, मेरे एक उस्ताद हैं लाहौर में, बेरे टाउन में ही होते हैं। अच्छा। आई मीन दिस मैन हैज चेंज्ड माय लाइफ, अल्लाह ताला उनको दर्जा बुलंद करे, ही डाइड नाउ लास्ट ईयर कोरोना से ही। बट मैं उनके पास बैठा, डॉक्टर थे, मेयो हॉस्पिटल है ना लाहौर का, उसके डीन रहे, हेड रहे हैं वो 20 साल। ठीक है। एंड ही सेड कि मैं तुम्हें रिस्क का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बहुत आसानी से समझ आ रहेगा, कितने कितने पैसे चाहिए। अब सारे यूथ बैठा हुआ है। अच्छा। सब चुप, शर्मिंदगी में सवाल का जवाब कौन देता है। इसे ये तो औकात है पैसे की कि तुम बताते हुए भी शर्मिंदा हो रहे हो। जैसे कि कोई मैंने जन्ना का सवाल कर लिया यार, पूछो कितने पैसे चाहिए, क्यों नहीं बता रहे हो। ये तो एक था लड़का, कहता सर 10 करोड़ पे चाहिए। कहता बस? कहता नहीं सर, बस ज्यादा नहीं चाहिए, 10 करोड़, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, 10 करोड़ चाहिए सर, मैं बहुत क्लियर हूँ। कहता रिवर्स इंजीनियर किया हुआ है, क्या करोगे 10 करोड़? कहता जी सर। कहता बताना क्या लोगे? उसने लिटरली मॉडल बताए गाड़ियों के, जगह बताई कहाँ पे प्लॉट लेना है उसका, ठीक है लाहौर में, ठीक है पे बैरी टाउन में प्लॉट बताया। कहता मैं प्लॉट लेने से 4 कनाल से कम घर घर नहीं होता। अच्छा अच्छा। आई मीन दैट बॉय अल्लाह की तरफ से प्लेस हुआ था, ऐसे बोल रहा था चरबा जबानी से, मगर You know how our youth is, पूछा है तो अभी सीधा सवाल पूछा तो सीधा जवाब ले, बिल्कुल ठीक किया। एंड ही अप्रिशिएटेड द बॉय, क्या ठीक किया, यही तो पूछ रहा था यार, किसी में हिम्मत ही नहीं होती बताने की। बताया 10 करोड़ रुपए हो गए, प्ल�त भी हो गया, कितने बचे पीछे? कहता था 3-4 करोड़ बच गए। कहता ठीक है रख लो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ रिस्क का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है। ही सेड मैं लास्ट ईयर था मेरा, एक मेरे पास हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए बच्चा है, उसका लिवर का मसला था। अब मसला था इंडिया से होता था उस वक्त, अभी पाकिस्तान से बंद कर दिया, आया था फिर बंद कर दिया। कहते हमने इंडिया भेजना था, हमने इंडिया कॉल की, उन्होंने कहा हो सकता है ये होगा सब कुछ। कहता उसका घर था उस वक्त लाहौर की लीच मॉडल टाउन में घर था, ठीक है वो था कोई 7-8 करोड़ रुपये का घर, छोटा घर नहीं था, कनाल लगा था, ज्यादा का ही होगा। कहता उस बच्चे के पीछे, सिर्फ एक बच्चे के जान लिवर बचाने के लिए उसका घर भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई, और जितना कोई माल मूल था उधार भी लिया उसने। अल्लाह, अब ध्यान में रखना इस बात को, अगर तुम्हें अल्लाह ने सेहत दी हुई है ना तो ये करोड़ों का प्लॉट तुम्हारे अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है, वरना इसी के लिए करोड़ों तुम्हारे माँ बाप कर्जे ले लेके कर रहे होंगे। तुझे एक एक्सीडेंट की मार है, तू तेरी एक लिवर ट्रांसप्लांट छोड़, किसी टांग के ऊपर भी चोट लगी ना गाड़ी के नीचे आया तो तेरी गाड़ियां गई वहां से, तो कोई लिमिट नहीं है तेरे पास। तुझे अल्लाह ताला ने अरबों रुपए का जिस्म दिया हुआ, तुझे समझ नहीं आ रही, ट्रांसलेट मैं कर देता हूँ, डॉक्टर कर सकते हैं। हमने ऐसे ऐसे बंदों के घर बिकते देखे हैं, क्योंकि बच्चे की जान के पीछे सब कुछ कुर्बान निकाल दिया। सो इफ यू रियली थिंक दैट यू हैव ए नंबर इन माइंड, देन सॉरी यू आर सो डिल्यूजनल, यू डोंट इवन नो कि दुनिया और लाइफ का मतलब क्या होता है। सो जब तक तेरे पास सब कुछ है तब तक अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, ये करोड़ों रुपए का शुक्र है तुझे मिल रहा है, करोड़ों 10 करोड़ का शुक्र अदा कर। तेरे पास लिखे हुए अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर तूने जो भी काम किया लिखे हुए, तो अल्लाह ताला उसमें से करोड़ों देंगे, चाहे तू कुम्हार है, चाहे किसान है, चाहे तू मोची है, चाहे तू डॉक्टर है, फ्रूट गिरी लगाता, तू जो अपना काम कर रहा है अगर वो हलाल है उसके ऊपर कॉम्पिटेंट हो जा बस, और कुछ भी नहीं है।